जैसा कि आप सबको विदित है कि आज हम यहाँ पे 21 साल की उम्र में मात्र उसने फांसी के फंदे को गले से लगाया था देश और राष्ट्र के लिए। ऐसे राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह की शहादत को नमन करने के लिए हम आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। भगत सिंह का एक बहुत ही सुंदर वाक्य मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। भगत सिंह जी की माँ जब जेल कारागार में उनसे मिलने के लिए गई थी तो भगत सिंह ने उनको कहा कि माँ, अगली सुनवाई जब हो कोर्ट की उस समय तुम मुझसे मिलने के लिए मत आना, क्योंकि वो सुनवाई थी इस देश के इस वीर सपूत को फांसी दे दी गई थी फिरंगियों द्वारा। क्योंकि माँ, तू यदि जेल के अंदर आई और तेरी आंखों से यदि आंसू निकले तो लोग कहेंगे कि शहीद भगत सिंह की बात हुई। तो शहादत पर रोने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो मेरे युवा साथियों, आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है, हम सब लोग बहुत व्यस्त रहते हैं लेकिन अपने व्यस्ततम समय में से कुछ समय देश, समाज, परिवार, राष्ट्र के लिए दें। और आज उस कफन को, आज उस फांसी को लोग जो है मोहब्बत के नाम से बदनाम कर रहे हैं, जिस फांसी को भगत सिंह ने शहीद होते हुए देश का नाम रोशन किया और आज लोगों को देखा जा रहा है, हम आए दिन अखबारों में पढ़ते हैं भला आदमी ने उस मोहब्बत के चक्कर में फांसी लगा ली। तो ऐसा हमें समझना है इस विषय को, वो फांसी का फंदा सदैव देश, समाज, राष्ट्र के लिए समर्पित हो। ऐसे वीर सपूत को हम सब लोग शत शत नमन करते हैं। छोटे से निवेदन पे आप सभी माँ भारती के वीर सपूत, लाडले भाई, सब लोग आप यहाँ पधारे उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, मातरम मातरम, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, शहीद भगत सिंह अमर रहे, अमर रहे अमर रहे, राजगुरु जी अमर रहे, अमर रहे अमर रहे, सुखदेव जी अमर रहे, अमर रहे अमर रहे, भारत माता की जय।